पेश है हिंदी जबान में अपडेट। वरिष्ठ हुर्रियत नेता अल्ताफ अहमद शाह भारतीय कारावास में शहीद हो गए। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस नेता अल्ताफ अहमद 2017 में अपनी अवैध नजरबंदी के पश्चात नई दिल्ली के कुख्यात तिहाड़ जेल में थे। अल्ताफ शाह गुर्दे के कैंसर के अंतिम स्टेज से पीड़ित थे, परंतु उन्हें जेल में समुचित इलाज की सुविधा नहीं दी गई। भारतीय नजरबंदी में अल्ताफ अहमद शाह की मृत्यु मोदी शासन द्वारा एक व्यवस्थित हत्या है। मोदी शासन अल्ताफ अहमद की नजरबंदी के दौरान हत्या के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। अल्ताफ अहमद शाह भारत द्वारा टारगेट किलिंग के नवीनतम टारगेट बन गए। वे 5 अगस्त 2019 के पश्चात भारतीय कारावासों में मरने वाले चौथे हुर्रियत नेता हैं। कश्मीरी राजनीतिक बंदियों को भारतीय कारावासों में समुचित इलाज की सुविधा न उपलब्ध कर व्यवस्थित रूप से मारा जाता है। अल्ताफ शाह की नजरबंदी के दौरान हत्या मोदी शासन द्वारा स्वतंत्रता समर्थक नेताओं को समाप्त करने का एक गहन षड्यंत्र है। अल्ताफ शाह की नजरबंदी के दौरान हत्या ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि अन्य हुर्रियत नेताओं को गंभीर रूप से जान का खतरा है। अल्ताफ शाह की भारतीय नजरबंदी के दौरान हत्या के त्याग को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मोदी के शासन का एक नॉर्म कहा है। अवैध रूप से नजरबंद ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मसरत आलम भट्ट ने कहा है कि कश्मीरी जेलों में जाने तथा अपने प्राणों की भेंट चढ़ाने के लिए तैयार हैं, परंतु भारत के समक्ष समर्पण के लिए नहीं। पाकिस्तान ने अल्ताफ शाह की नजरबंदी के दौरान हत्या की तुरंत तथा निष्पक्ष पड़ताल की मांग की है। कश्मीरी हुर्रियत बंदियों को अपने राजनीतिक विश्वासों के कारण भारतीय जेलों में भीषण टॉर्चर का सामना है। प्रत्येक शहादत के पश्चात प्रत्येक कश्मीरी का भारतीय चंगुल से मुक्ति का संकल्प और सशक्त होता है।